तो दोस्तों आज हमारे पास आ गया है जियो टैक्स। इसको लेकर आपके मन में काफी सवाल होंगे, जैसे इसका प्राइस क्या है, इसमें लाइव लोकेशन का फीचर है या नहीं, इसकी बैटरी कितनी चलेगी और अगर बैटरी खराब हो गई तो हम क्या करेंगे, क्या ये वाटरप्रूफ है और इसको खरीदना वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों ये जियो टैक्स मैंने जियो मार्ट से 749 रुपए में बाय किया है। अगर हम इसके एमआरपी प्राइस की बात करें तो बॉक्स पर 2199 रुपए लिखा हुआ है। तो क्या ये एप्पल टैग जो कि 3500 रुपए का आता है उसको टक्कर दे पाएगा? शायद हाँ और शायद ना भी। तो कैसे उसको हम आगे वीडियो में जानेंगे, पर उससे पहले जियो टैक्स के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जियो टैक्स के बॉक्स की बात करें तो इसके अंदर आपको जियो टैग के अलावा कुछ कागजात और एक एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाती है। तो अगर बैटरी की बात करें तो ये लगभग 6 महीने चल जाएगी। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बैटरी और आती है। उसके अलावा भी अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है तो आप इसे मार्केट से परचेस कर सकते हैं। बाकी जब मैंने बॉक्स के पीछे देखा तो इस पर मैन्युफैक्चरर डेट सितंबर 2021 डली हुई थी, यानी कि इस डिवाइस को बने हुए लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। इसके अलावा बॉक्स के पीछे साइड छोटे छोटे अक्षरों में मेड इन चाइना लिखा हुआ भी आपको दिख जाएगा। और जियो के लगभग ज्यादातर प्रोडक्ट मेड इन चाइना ही होते हैं। इससे पहले हमने जियो वीआर ग्लासेस का रिव्यू किया था, वो भी मेड इन चाइना था। अगर आप उसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। इस जियो टैक्स को यूज करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में जियो थिंग्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ये एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इस पर रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर जियो टैक्स को कनेक्ट करने के लिए एड न्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। वहां पर आपको जियो टैग का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको जियो टैग की ये वाली बटन को प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जियो टैग आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएगा। जियो टैग का आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होने के बाद आप अपने स्मार्टफोन की मदद से जियो टैग को फाइंड कर सकेंगे। जब आप अपने फोन से इसे फाइंड करेंगे तो इसमें बीप की आवाज आने लगेगी। पर आपको बता दें ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है तो इसकी कनेक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा ये आपके घर में कनेक्ट रह सकता है। इसके बाद अगर आप इससे ज्यादा दूर चले जाते हैं तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पर इसकी आप लास्ट लोकेशन देख सकते हैं। इसका मतलब जियो टैक्स अपनी लास्ट लोकेशन बताता है, लाइव लोकेशन नहीं बताता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे खरीदने का क्या फायदा, क्योंकि जब कोई चीज गुम हो जाती है तो हमें लाइव लोकेशन की जरूरत पड़ती है ना कि लास्ट लोकेशन की। पर टेंशन मत लीजिए, जियो टैक्स में एक ऐसा फीचर आता है जिसमें आप कोई चीज अगर आपकी गुम हो जाती है तो उसे फाइंड कर सकेंगे। जब आपका जियो टैग अपने स्मार्टफोन से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो इसमें ऑप्शन आता है रिपोर्ट एज लॉस्ट। इस फीचर पर रिपोर्ट करने के बाद आप अपने गुमे हुए जियो टैग को फाइंड कर सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फीचर काम कैसे करता है, क्योंकि इसमें तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। तो जब भी ये गुम हो जाता है और आप रिपोर्ट कर देते हैं तो जियो कम्युनिटी की मदद से आपके पास इसकी बार बार लाइव लोकेशन आती रहती है, जिसकी मदद से आप इसे आसानी से फाइंड कर सकेंगे। और ये फीचर मुझे काफी पसंद आया है और इसी फीचर की वजह से मुझे ये वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। बाकी मैंने इस जियो टैग को इसलिए परचेस किया है क्योंकि मैं इसे अपने कार की चाबी में लगाने वाला हूं, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिसको मैं कहीं रखकर भूल जाता हूं। बाकी अगर मैं अपना फोन या स्मार्ट वॉच या लैपटॉप या आईपैड रखकर कहीं भूल जाता हूं तो मैं उसे रिंग कर फाइंड कर सकता हूं, तो मैं कार की को फाइंड नहीं कर पाता हूं, पर जियो टैग की मदद से मैं इसे आसानी से ढूंढ सकूंगा। इसके अलावा जियो टैग के अगर हम बाकी फीचर की बात करें तो आप जियो टैग की मदद से अपने फोन को फाइंड कर सकते हो और फोन की मदद से जियो टैग को फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा जियो टैग में जो बटन दी गई है इसकी मदद से आप अपनी सेल्फी या फोटो क्लिक कर सकते हो। बाकी ये डिवाइस वाटरप्रूफ नहीं है, छोटे मोटे छींटे से इसे कुछ नहीं होगा, पर आप इसे पानी में डुबा नहीं सकते हो। तो अब सवाल आता है आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं, तो इसका मैं सिर्फ आपको एक शब्द में जवाब देने वाला हूँ, जरूरत। अगर आपको इसकी जरूरत है, आप इस तरह के फीचर की आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, और अगर ऐसा फीचर आप यूज नहीं करना चाहते तो ये आपके कोई काम का नहीं है। बाकी इस जियो टैग को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।